की गई, लेकिन बॉडी डिटॉक्स तो बहुत जगह हो रही, ब्रेन डिटॉक्स कहीं नहीं हो रहा। जय श्री राम, जय बागेश प्रधान। देख सकते हैं पूज्य सरकार अभी दिव्य दरबार लगाने के लिए जा रहे हैं। आप सभी देख पा रहे हैं उनका दर्शन कर लीजिए आप सभी, और उस कार में बैठ चुके हैं। बस कुछ ही क्षणों बाद जो नया वाला टीन सेट है वहां पर दिव्य दरबार लगाया जा रहा है, और आज प्रेत बाधा वाला दिव्य दरबार भी लगेगा शाम के टाइम, क्योंकि पूज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि दोनों दरबार लगाए जाएंगे आज। पहले लगाया जाएगा अर्जी वाला, आप सभी देख पा रहे हैं, और उनका गाड़ी वैसे निकलने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है आप सभी देख पा रहे हैं, और पूरे भक्तों ने उनका गाड़ी घेर लिया है आप सभी देख पा रहे हैं। पूरा ये देखिए, गाड़ी को निकलने की जगह ही नहीं है, आप सभी देख पा रहे हैं सामने, चारों तरफ से भक्तों ने घेर लिया है, और लाखों के तैनात में भक्त पहुँच चुके हैं बागेश्वर धाम में, आप सभी देख पा रहे हैं। और दिव्य दरबार का दिव्य आशीर्वचन इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और देखिए पूज्य सरकारी गाड़ी निकल चुकी है दिव्य दरबार लगाने के लिए, आप सभी देख पा रहे हैं, और इनके पीछे भी भक्त जा रहे हैं। ये देख लीजिए, अब घूमकर गाड़ी आ जाएगी पंडाल की साइड, हम उधर ही आप लोगों को ले चलते हैं और दिव्य दरबार की झलकियाँ दिखलाते हैं। हमने अपने जीवन का सत्य जाना, और सत्य जानकर अपने आप में जब बोध पाया, तो बोध को पाकर के हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, अंत के क्षण में तुम बालाजी के हो, बालाजी तुम्हारे हैं। यह बोध तुमको हो जाए तो दुनिया का कोई भी संकट तुम्हारा पाल बांका नहीं कर सकता है। जय सियाराम, जय सियाराम। तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, पर्चा बने या ना बने, तुम्हारे घर बालाजी की सेना पहुंच जाए। से तुम नियम पेशीवर करना, जल्दी जल्दी मत आना, पैसा ज्यादा खर्च होगा, रुक रुक के आओ, एक महीने में, दो महीने में, तीन महीने में, मंगलवार या शनिवार, दो में से कोई दिन भूत लगे हो शनिवार टपक जाओ, कोई बाधा नहीं है, मंगलवार की पेशी करो। हम वचन देकर के कहते हैं, लौट कर तुम्हें जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। अगर हमने कोई कृपा पाई होगी, हमने कोई दया पाई होगी, अगर हम हनुमान जी के दरबार के बालाजी के सामने बैठे होंगे, हम वचन देकर के कहते हैं कि तुम्हारी विपदा के लिए हम बालाजी से लड़ेंगे, और तुम्हारी समस्या का समाधान तो होकर के ही रहेगा, क्योंकि बालाजी हमारे ऑर्डर से नहीं चलते हैं, न बालाजी हमारे बस में है। बालाजी के हम उपासक हैं तो प्रार्थना करते हैं, सन्यासी बाबा से हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में ताकत होती है, और वो सुन लेते हैं, और भक्तों की खाली झोली को वो भर देते हैं। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो, बोलो बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा। बिना विलंब करे हुए मन में तुम लोग राम नाम का जप करो, दरबार की ओर चलते हैं। आज तारीख कितनी है जरा बताइए, 13, काम बन जाए 13। इसलिए नहीं हमने पूछी, आज 13 है, कल 14 है, परसों, मतलब अभी 2 दिन और दरबार लगेगा, कल भी लगेगा और परसों भी लगेगा। 16 तारीख को है मंगल, यहाँ होगा दंगल, कोई दंगल नहीं होना है। 16 तारीख को पुरानी पेशी का दिव्य दरबार लगेगा। अब हम 16 तारीख को ही निकल जाएंगे नेपाल, वहां पर हनुमान कथा सुनाएंगे चतारा में 5 दिन की। 21 तारीख को रात को चलेंगे, 22 को आएंगे पुनः बागेश्वर धाम, और 22 से फिर दरबार लगाएंगे। ये जो फोटो लिए खड़े हैं इनसे फोटो ले लो, हमारी माता जी की हमारी बना के लेकर के आए हैं, जमा कर लो। आगल पागल भक्त है, चेला है, बड़ी श्रद्धा से बना करके लाया है।
अमीरों को तो तुम पुलिस वालों के बीच में से ऊपर कर देते हो, कभी गरीबों को भी तो ऊपर कर दिया करो। जय श्री राम। सेवादार भी ठीक रहे, मुँह देख कर भी आगे करते हैं, गरीबों की सुनो। देख रहे हो तुम जमाने, हाँ बड़ा उल्टा जमाना है। भगवान के दर पे भी खोट चले, पूजा के लिए भी नोट चले। वाह, बोलो सीताराम। हमारी बातों को बहुत सीरियस मत लिया करो, हमारी बातें गधे की लातें बराबर हैं। पर हम बोल मुंह पे देते हैं, लोग हमसे कहते हैं आप कई बार इतना सख्त बोल देते हो जो बड़ा खरा होता है। हमका किसी को बुरा लगे तो लगे, सख्त तो सख्त, अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन। अच्छा, इसमें हम अपने आप को भी नहीं छोड़ते, ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए ही बोलते, हम अपने आप को भी नहीं छोड़ते हैं, कह देते हैं। अब बताओ कितनी अद्भुत बात है, लोग हमसे कहते हैं प्रवचन सुना। एक जगह हम प्रवचन सुना रहे थे, बोले माया के प्रवचन नहीं आप सुनाते। हमका माया लेकर के माया के प्रवचन सुनाए जाते हैं क्या? माया के प्रवचन नहीं सुना। फोटो वाले को बुला लो भाई, बोलो बागेश्वर हनुमान जी की। लोग आज को दरबार शुरू, जय गोविंद हरि। बैठ जाओ, विराज लो, आसन ले लो, आसन ले लो, कि सिंहासन भेजे हम अपनो राजमान। डरा ओ चीरा, मोबाइल बाद में चला के खड़ो हो जाओ, बोले सब ले लो, बोले बहन ने देखो। जय बजरंग बली, जय बागेश्वर बालाजी। मनीमन वहीं से प्रणाम करो, सब लोग दोनों हाथ जोड़ो, चलो दरबार शुरू करें, विलंब हो गया। हमारे साथ बोलें, ओ बागेश्वराय नमः। बाबा को प्रणाम करो कि हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालो, हमारे घर पर भी सेना भेज दो, हम पर भी दया कर दो, हमें भी जीवन के मानव जीवन की दया दे दे, भौतिक समस्याओं के समाधान का रास्ता दे दो। मणिमन पुना बालाजी के चरणों में प्रणाम करो। प्रियजनों और हमारे आत्मीय सदस्यों और हमारे साधकों, एक सूचना हम बताना भूल गए हैं। एक तो 23 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव है, तो 3 दिन की कथा है। 3 दिन की कथा करने के लिए वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथा व्यास परम पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज बागेश्वर धाम आ रहे हैं। 22, 23 और 24 तारीख 3 दिन तक कथा चलेगी, 3 दिन तक शाम को भजन संध्या होगी। 23 अप्रैल को वो दिन है जिस दिन हमारे सरकार इस पृथ्वी पर हजारों लाखों साल पहले प्रकट भए थे, वो 23 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव का दिन है। हनुमान जन्मोत्सव पर बालाजी को 56 भोग लगाया जाएगा, हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जाएगा, शाम को मानस सम्मेलन करवाया जाएगा। 23 तारीख को यह 5 दिन में 20 तारीख से 24 तारीख तक बागेश्वर धाम पर हनुमत महायज्ञ है, 9 कुंडली यज्ञ है हनुमान जी के लिए की जा रही है। आप भी उसमें बैठ करके हनुमान जी को सिद्धि और प्रसन्नता के लिए आप हवन व आहुतियां डाल सकते हो। जो सूचना देनी थी वो बात ये है, मई में 17, 18 और 19 मई 3 दिन के लिए हमने कुछ दिन रातों भर जाग कर कुछ चीज का शोध किया है। वर्तमान में पूरा भारत, भारत के पढ़े लिखे लोग और पूरे विश्व के लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। जगह जगह बॉडी डिटॉक्स के लिए, बॉडी क्लीनिंग के लिए वेलनेस सेंटर आदि पंच चिकित्सा
और आज का आदमी रोटी, पहले का नारा था पुराना नारा, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, अब वो नारा खत्म हो गया। आजकल रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, शांति नहीं है। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शांति नहीं है। ब्रेन को शांति नहीं है, दिमाग को शांति नहीं है, उच्चाटन है, ब्रेन काम नहीं कर रहा, आईक्यू लेवल लोगों का डाउन हो रहा, क्योंकि पहले के जमाने में जोड़ घटाना दिमाग से करते थे, आजकल मोबाइल से कर रहे हैं। इतना डिजिटल इंडिया हो गया है कि क्या बताएं। एक आदमी हमको मिला, भारत का ही आदमी मिला, हमका और बताओ आज क्या है, बोले हमारी शादी है। हमका लड़की कहाँ है, बोले अमेरिका में। हमका शादी कैसे करोगे, बोले ऑनलाइन। हमें बहुत हंसी आई, बोले गुरुजी आप हंस क्यों रहे हैं, आशीर्वाद दो। हमका आशीर्वाद तो दे रहे हैं, ऑनलाइन शादी हो रही है तो फ्लिपकार्ट से लड़का मंगवा लेना। बड़ा डिजिटल का जमाना आ गया, लोग बड़े स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, परेशान है, और लोगों का दिमाग चलना कम हो गया है। इसलिए हमने सन्यासी बाबा के साथ बैठकर गुरु कृपा से एक नया शोध किया है कि ब्रेन डिटॉक्स कैसे करें और स्ट्रेस से कैसे बचें। उसके लिए ऊर्जा संचय समागम, 3 दिन का हमने एक समागम रखा है जिसमें मात्र 100 लोग बैठेंगे। भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, योग टीचर, भंडारे की व्यवस्था और उनको यज्ञ की व्यवस्था, सूर्य साधना करवाई जाएगी। और एक ऐसी पद्धति हमने निर्मित की है गुरु कृपा से कि उस पद्धति को करने के बाद लोगों का ब्रेन डिटॉक्स होगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, जवाब देने की कला आएगी। और उस 3 दिन के सेशन में बैठने से कैसा भी मंद बुद्धि का आदमी हो, बीमार भरना हो, पागल भरना हो, बीमार पागलों को छोड़कर दिमाग का आईक्यू लेवल बढ़ा सकते हो, पीसफुल लाइफ जीवन जी सकते हैं। उसके लिए 17, 18, 19 और यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एकांत में होगा, जंगल में 100 लोग बैठेंगे, पूरी सिक्योरिटी होगी, हम 2-2 मिनट उनको मिलेंगे। अगर आप भी उसमें भागीदारी लेना चाहते हो तो ज्यादा लोग नहीं, मात्र 100 लोग, क्योंकि अभी उसका वो है ट्रायल, क्या होता कहते हैं उसको, ट्रायल, अभी है ट्रायल, इसलिए ज्यादा लोग नहीं हम अभी कर पाएंगे। 100 लोग जो हमने उसका उपयोग निकाला है, आप 1.5 मिनट में आपका रुआ रुआ फड़फड़ा जाएगा, ना कोई मशीन हम आपको लगाएंगे, ना आपको कोई दवाई खिलाएंगे, ना आपको कोई मेडिसिन दी जाएगी। एक ऐसी पद्धति हमने बनाई है कि आपका रुआ रुआ फड़फड़ा जाएगा, उस पद्धति को करने के बाद आपका ब्रेन डिटॉक्स हो जाएगा और आपकी सोचने की क्षमता तेज हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको बैठना चाहिए तो उसका रजिस्ट्रेशन हमने कल से ही स्टार्ट करवा दिया है। कार्यालय में जाकर अपना नाम लिखवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ, भोजन भजन का, रुकने का कुछ खर्च आपका लगेगा, योग टीचर के लिए आपका पैसा लगेगा, थोड़ा ही लगेगा, क्योंकि योग टीचर हम बाहर से बुलाएंगे, हम खुद नहीं है, भंडारे की व्यवस्था के